अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम मैथ 302 का लेक्चर नंबर 20 करने लगे हैं और इस लेक्चर के अंदर हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन के ऊपर बात करेंगे। मेजर मेजर बात कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे होगी और बाकी का जो स्टार्ट वाला पोर्शन है ना, पिछले ही लेक्चर जो 90 लेक्चर है उसमें हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड देखा था, उसमें एक जो है एक क्वेश्चन और करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले सेटिंग अप लीनियर इक्वेशन, पहले लीनियर इक्वेशन को बनाएंगे सेटिंग का मतलब, और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। जैन परचेजेस द सेम अमाउंट ऑफ कमोडिटी वन एंड कमोडिटी टू। अब अभी येलो वाला ना देखो, मैं बताता हूँ येलो वाला क्या लिखा मैंने। ठीक है, कहता है जैन जो है वो कमोडिटी वन और कमोडिटी टू को हर वीक में ना वो परचेज करता है। परचेज कोई भी चीज है, साबुन है या सोप, साबुन है, चीनी है, वट एवर जो भी एक आइटम, कमोडिटी वन और कमोडिटी टू, ठीक है, परचेज करता है। अब कमोडिटी वन को मैंने कहा कि चले लेट्स से कि हम कमोडिटी वन को एक्स कह लेते हैं, जैसे मैथ में अज्यूम करते हैं, और कमोडिटी टू को वाई कह लेते हैं। समझ आ गई? ठीक है। अच्छा, आफ्टर प्राइसेस इंक्रीज फ्रॉम 1.10 टू 1.15 पर आइटम ऑफ कमोडिटी वन, तो क्या हुआ कि जो कमोडिटी वन है जिसको हमने एक्स कह लिया है, उसकी प्राइस पहले होती थी 1.10, एक एक यूनिट की। ठीक है, जैसे एक साबुन है तो उसकी प्राइस 1.10 थी, अब वो कह रहा प्राइस बढ़ गई है, 1.15 हो गई है। सही है, वही वाला जो साबुन फर्ज करने को लेता था 1.10 का, तो वो अभी 1.15 का लेगा। इसी तरह एक दूसरी कमोडिटी जिसको हमने वाई कहा है, कह रहा उसकी पहले प्राइस होती थी 0.98, ठीक है, अभी फिर प्राइस होगी 1.14। ठीक है, प्राइसेस मतलब दोनों की बढ़ गई। अच्छा, वो कहता है फॉर वीकली बिल रोज फ्रॉम 84.40 था पहले, फ्रॉम मतलब फ्रॉम, ये पहले 84.4 पैसे उसका बिल होता था, अभी 91.70 पे पहुंच गया बिल। ठीक हो गया, अभी हमने इक्वेशन पहले बनानी है। इक्वेशन कैसे बनेगी? देखें जी, क्वांटिटी जो वन थी उसकी एक्स की क्वांटिटी और फिर वाई की क्वांटिटी थी कमोडिटी टू। ठीक है, क्या हो रहा था कि जब हर वीक में वो दोनों चीजें वो खरीदता था, इन दोनों का मिला के बिल कितना बनता था? 84.40। अच्छा, तो क्वांटिटी वन जो खरीदता था किसने रेट पे, जो कमोडिटी वन था, एक्स जो थी क्वांटिटी, उसके यूनिट्स हमें नहीं बता रहा है कि कितने यूनिट खरीदता, 5 साबुन खरीदता था, 10 साबुन खरीदता था, ये हमें नहीं वो बता रहा। ठीक है, अच्छा हमने कहा, अच्छा हमें वो बता दिया कि 0.98 के ऊपर वो खरीदता था। हमने कहा ठीक है जी, हमने क्या किया, 1.10 एक्स की क्वांटिटी का रेट था, हमने कहा 1.10 मल्टीप्लाई एक्स, ठीक हो गया, 1.10 मल्टीप्लाई प्लस 0.98 पे वाई खरीदता था, हमने कहा 0.98 को मल्टीप्लाई करो वाई के साथ। ठीक है, फिर हमने ये लिख लिया इज इक्वल टू बिल टोटल कितना बनता था, 84.40, क्योंकि कह रहा है बिल इतना बनता था, वो बिल बढ़ के इतना हो गया। इसी तरह हमने अभी ये करना है कि जो नए रेट थे उसके ऊपर भी एक इक्वेशन बना लेनी है। 1.15 पे एक्स की क्वांटिटी खरीदता था, हमने लिख लिया 1.1 पे एक्स, प्लस कर लिया 1.14 की क्वांटिटी वाई खरीदता था, और ये इक्वल टू कितना बिल बनता था इन दोनों का खरीदते, 91.70। अभी इससे आपको क्या समझ आ रही है कि यहाँ पे हमें वो प्राइस दे रहा है एक यूनिट की, लेकिन टोटल नंबर ऑफ यूनिट नहीं दे रहा, कह रहा है कि दोनों का बिल मिला के 91.70 बनता है। सपोज के इसको ऐसे समझे कि आप कहते हैं कि मैंने साबुन 5 खरीदे, ठीक है, और मैंने चीनी है वो 5 kg खरीदी, ठीक है, और इनके रेट ये हैं और बिल बन गया 84.40। ठीक है, ये ऐसे है, इसमें ये पूरा है, तो इधर हमने वो क्वांटिटी इसमें फाइंड करनी है कि कितने साबुन खरीदे या कितनी शुगर खरीदी, ऐसे करके। ये देखें वो इधर अभी क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी आइटम्स ऑफ कमोडिटी वन एंड टू आर परचेज ईच वीक। ठीक हो गया, अभी हम आगे चलते हैं। ये यहाँ पे हमने कहा लेट्स एक्स इज इक्वल टू नंबर क्वांटिटी वन और वाई इज इक्वल टू नंबर, ये हैश सिंबल जो होती है वो नंबर के लिए होती है। ठीक है, ये हैश सिंबल, इसका मतलब था नंबर, नंबर वर्ड लिख लो या ये लिख लो, एक ही बात होती है। अच्छा, वही वाली इक्वेशन जो पिछले पेज पे थी मैंने उठा के यहाँ पे ले आया हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो, पीछे भी येलो में थी, येलो वाली इक्वेशन येलो में आ गई। ठीक हो गया, अच्छा इक्वेशन को अब सॉल्व कर रहे हैं। इक्वेशन को सॉल्व करने का ये तरीका होता है, जो दो इक्वेशंस होती हैं अगर मैं दोनों को इकट्ठे दिखाऊं, और जब दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करने की बारी आती है ना, तो आपने वाई वाले वेरिएबल को या एक्स वाले वेरिएबल को दोनों इक्वेशन में सेम कर लेना, उनके कॉफिशियंट सेम कर लेने होते हैं। जैसे 1.10 एक्स का कॉफिशियंट है, 1.15 दूसरे एक्स का, दूसरी इक्वेशन के एक्स का,
कॉफिशंट है, ठीक हो गया। अब मैंने इक्वेशन था ना, इनके नंबर दे दिए, ये येलो वाली इक्वेशन को 1 का नंबर दे दिया, रेड वाली को 2 का नंबर दे दिया, काम आएगा आगे आपको, आप देखिएगा। अभी हमने ये करना है कि दोनों इक्वेशन का एक्स ना हम उसका कॉफिशियंट सेम कर लेते हैं, पॉइंटों में वैल्यू, तो हम क्या करते हैं कि दोनों साइड की वैल्यू को जो एक्स का कॉफिशियंट उसके से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। डिवाइड किया तो आप एक कैलकुलेटर घुमाएंगे तो ये वाला जो इक्वेशन आ रही है, एक्स प्लस 0.8909 y इज इक्वल टू 76.73 आ जाएगी आपके पास, ठीक हो गया। डिवाइड बाय 1.10 लिख, इसी तरह एक्स का कोफिशियंट 1 करने के लिए हमने 1.15 से डिवाइड कर दिया और ये वाला आ जाएगा, आप कैलकुलेटर घुमाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी एक इक्वेशन ये वाली जिसपे मेरा माउस अभी घूम रहा है और एक इक्वेशन ये वाली जिसपे माउस घूम रहा है, ये अगली स्क्रीन पे आपको नजर आएंगी, ठीक है। यहाँ पे आ गई और यहाँ पे मैंने इक्वेशन 3 और 4 उसको कह दिया। अभी देखिए दोनों में एक्स जो है ना सेम है, तो अगर हम जस्ट एक इक्वेशन को दूसरे से माइनस कर दें तो हम हमारे पास एक्स खत्म हो जाएगा और वाई में वैल्यू आया और हम वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अच्छा इस पर ट्रिक क्या है, आप ना ज्यादा माइनस वगैरह से बचने के लिए ना, माइनस इधर आ गया उठा के उधर लेके गए इक्वेशन में से, वेरिएबल को आगे पीछे करने से बेहतर होता है आप देख लिया करो कि बड़ी वैल्यू कौन सी है। जैसे एक्स तो ठीक है खत्म हो जाएगा, अभी ये देखें कि ये देखें ना वाई वाली जो 0.99 ये बड़ी है, इधर भी 79 वाली बड़ी है, तो आप जो वेरिएबल के साथ वाला होता है ना उसे माइनस से बचाएं ताकि आपका काम चल जाए, ठीक है। तो आपने इसको ना इसी वजह से मैंने 4 माइनस 3 किया। अच्छा जब 4 माइनस 3 करते हैं ना तो उसका मतलब ये होता है 4 वाली जो है इक्वेशन वो तो वैसे की वैसे लिख दो क्योंकि इसके स्टार्ट पे प्लस है ना, जहाँ पे कोई सिंबल नहीं, माइनस किया 3 को, तो 3 की जो भी बीच में साइंस आ रही है उन सबको माइनस से समझो कि 3 वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस माइनस और माइनस 3 माइनस हमने लगा दिए, ठीक है। अभी एक्स माइनस ये खत्म हो गया, इसको 0.9913 वाई को कैलकुलेटर से माइनस करें 0.8909 के साथ, वाई वैसे ही साथ लगा दें, 79.74 को माइनस करें 76.73 के से और आपके पास वैल्यू आ जाएगी ये वाली, और डिवाइड करेंगे आप कैलकुलेटर घुमाएंगे तो आपके पास 29.98 आ जाएगा, और इसको आप राउंड ऑफ कर लो 30, क्योंकि साबुन जो है जो या कुछ शुगर है नहीं, वो पॉइंटों में तो नहीं हो सकता ना, वो होल नंबर होगा ना, या साबुन आपको आप कहेंगे कि मुझे 0.75 साबुन का दे दो, तो इस तरह हमने उसको राउंड ऑफ कर दिया, 30 है यूनिट, ठीक है। इसके अभी दूसरी इक्वेशन हमने वाई की वैल्यू फाइंड कर ली, इस वाई वाली इक्वेशन को हम चाहे वन वाली इक्वेशन जो मैंने स्टार्ट में नंबर दी उसमें पुट कर दो या 2 वाली में पुट कर दो, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। आप स्क्रीन के ऊपर जो देख रहे हैं वैल्यू जस्ट पुट करें आप, ठीक है। ये y की जगह पे आप सारी इक्वेशन को नीचे लेके आए, y की जगह पे हमने 29.98 y की वैल्यू पुट कर दी और वैसी बाकी इक्वेशन रखी। दूसरे में हमने 1.1x रखा और 0.98 को आपस में मल्टीप्लाई करके ये वाला आंसर आया इज इक्वल टू, हमने ये कर दिया, स्टेप बाय स्टेप हो रहा काम सारा। इस स्टेप के अंदर हमने 29.3 को दूसरी तरफ लेके गए तो माइनस में आ गया, अगले स्टेप के अंदर इन दोनों को माइनस किया ये आ गया, एक्स के साथ कोफिशिएंट 1.10 उसको डिवाइड किया दूसरी तरफ ले जाके तो हमारे पास 50.02 आ गया, ठीक है। अभी आगे चलें, आप हमारे पास इक्वेशन ये थी 2 वाली इक्वेशन, अब हमने हमारे पास एक्स भी है वाई भी है, जब एक्स और वाई की वैल्यू आपके पास आ जाती तो आप चेक भी कर सकते हैं, और अभी आपने हमने एक्चुअली निकालना किया है कि कमोडिटी एक्स अभी एक तरह से चेकिंग होने लगी है, उसने कहा यूनिट निकालो हमने निकाल दी, अभी हम चेक करने चाह रहे हैं कि क्या वो आंसर जो उसने हमें स्टार्ट में दिया था 91.7, अगर एक्स और वाई की वैल्यू इधर हम लेफ्ट पे पुट करते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर चेक किया था चेकिंग कैसे करते हैं, तो आंसर 91.7 आना चाहिए। हमने 1.15 को एक्स की वैल्यू इधर पुट की और ये अलहदा कमोडिटी के लिए किया तो हमारे पास 57.50 आ गया, 1.14 को उठाया और वाई की वैल्यू डाली 30 थी, हमारे 34.20 आया और इस तरह का हमारे पास 91.7 आ गया। बड़ी डिटेल से हमने ये वाला क्वेश्चन किया है, अभी आगे चलते हैं। अभी यहाँ से हमारा दूसरा टॉपिक कंट्रीब्यूशन मार्जिन वाला स्टार्ट होने लगा। टर्मिनोलॉजी में बिजनेस की जब भी कैलकुलेशन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस निकाले जाते हैं तो 2 तरह की कॉस्ट का जिक्र करता है, जो नए स्टूडेंट हैं वो देखेंगे कि बिजनेस जितना भी बिजनेस की बुक्स में जिक्र करेंगे फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का जिक्र आएगा, ठीक हो गया। फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है, रेंट, प्रॉपर्टी टैक्सेस, यूटिलिटी बिल, आपको पता है ये फिक्स रहते हैं हर महीने के ना। अच्छा फिर आप वेजेस जो वेजेस देते हैं, वेजेस उनकी या उनकी पेज जो कि एक ऑफिस में काम करें उनकी, तो हर महीने उतनी पे रहेगी ना। अच्छा वेरिएबल वेजेस जो है वो वेरिएबल भी हो सकती है, मतलब पेज वेरिएबल भी हो सकती है, जैसे कि आप कोई प्रोडक्शन यूनिट है आपका, आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से कंपनी
कम ज्यादा करते हैं उनको, लेबर को। जैसे आप घर में अगर मकान बना रहे हैं, तो आप अगर लेबर को दो मजदूर लगाए, एक मिस्त्री लगाया, अगले दिन आपने तीन मजदूर लगा दिए, दो मिस्त्री कर दिए, तो दूसरे दिन क्या हुआ, आपकी कॉस्ट बढ़ गई। तो ये वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, प्रोडक्शन के एतबार से। आप चाह रहे हैं कि स्पीड से मकान बने, तो आपने वो बढ़ा दिया। तो ये डिपेंडिंग अपॉन क्या वो बंदा कहाँ पे काम कर रहा है, इसे फिक्स कास्ट और वेरिएबल कास्ट वेज उसमें जा सकती है। अच्छा जी, वेरिएबल कास्ट वैसे डेफिनेशन देखा जाए इसकी, फिक्स कास्ट की, डू नॉट चेंज इफ सेल्स इंक्रीज और डिक्रीज। फिक्स कास्ट को फिक्स इस वजह से कहते हैं कि आपकी जो प्रोडक्शन है ना, जितनी मर्जी प्रोडक्शन कम ज्यादा कर लें या सेल्स जो है कम ज्यादा कर लें, फिक्स कास्ट फिक्स ही रहती है, ठीक है। जैसे ऑफिस में काम करने वाले लोग, तो बिल, ऑफिस में ऑफिस का बिल, ये एटसेट्रा, ये चीजें। फिर आता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ या सेल्स के साथ चेंज हो रही होती है, ठीक है। आप देखिए, यूनिट हमने प्रोड्यूस जब कर रहे हैं, तो उसके साथ जो रॉ मटेरियल आपको चाहिए उसके लिए, पैदा करने के लिए, आज अगर 100 यूनिट पैदा की है तो 100 के लिए रॉ मटेरियल यूज होगा, 150 यूनिट आप प्रोड्यूस करें तो रॉ मटेरियल भी उतना ही चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी उतनी है कि अगर आज आपने वही बात कि अगर आपने 1000 यूनिट प्रोड्यूस करें, 1000 यूनिट पैदा करें, तो उसके लिए सपोज के 5 लोग आप लगाए हुए थे, कल अगर 1500 यूनिट आपने पैदा करने एक ही दिन में, तो वो 5 वाले लोग तो नहीं कर सकते, आपको लोग बढ़ाने पड़ेंगे, लोग बढ़ाएंगे, मजदूर बढ़ाएंगे, लेबर बढ़ाएंगे, तो आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो ये वेरिएबल कॉस्ट होती है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट है कैलकुलेशन में, इसी पे कैलकुलेशन होगी सारी, ऐसा पॉइंट है जहां पे आपका प्रॉफिट और लॉस इक्वल हो जाए, या आपकी रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल हो जाए, या आपका प्रॉफिट जीरो हो उस टाइम। कैसे? जैसे कि आप सपोज करें कि आप ना, आपकी वो सोप, सोप की एग्जांपल ले लेते हैं, आपने सोप बनाए और सोप बेचे, 10 सोप बेच दिया आपने, ठीक है। अब 10 सोप की जितनी आपको इनकम आई, सपोज कि वो आई 100 पीस, ठीक है, 100 पीस आई। अच्छा, बाकी आपने जब कॉस्ट कैलकुलेट की, फिक्स कॉस्ट में हमेशा बात होगी फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, अकेली वेरिएबल कॉस्ट नहीं। तो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट जब प्लस की, तो आपने देखा कि 10 यूनिट्स जो थे, 10 यूनिट्स ने हमने दिया 100 पीस, तो फिक्स कॉस्ट जो हमारी जो टोटल कॉस्ट आई 100 यूनिट को पैदा करके बेचने तक, वो भी 100 आई। तो ये वो पॉइंट है जहां पे आपको प्रॉफिट भी नहीं हो रहा और लॉस भी नहीं हो रहा, तो प्रॉफिट आपका जीरो है, ठीक है। ये वो पॉइंट होता है इसको, जिसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इसके ऊपर कैलकुलेशन मजीद आगे होगी तो आप समझ जाएंगे। अभी यहां से हम कैलकुलेशन की बेस बनाने लगे हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। सबसे पहले बात करें क्या चीज है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। वो अमाउंट है जो कि मालूम की जाती है, जो फाइंड होती है वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करने से। ये मैंने फार्मूला, सॉरी, मुझे मैंने इसको ऑपोजिट लिख दिया, मैं इसको अभी आपके सामने जो ऐसे करके, एक्चुअली ये ठीक हो गया जी, फार्मूला मुझे, मैंने टाइपिंग में मिस्टेक की हुई। अच्छा जी, नेट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होती है, उससे आता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ठीक है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन को कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मार्जिन आता है वो फिक्स कॉस्ट जो बाकी बच जाती है, फिक्स कॉस्ट जो उसको मीट करने के लिए, ठीक है, वो होता है। अच्छा जी, आगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कंट्रीब्यूशन रेट निकालते हैं। कंट्रीब्यूशन जो मार्जिन रुपीज में आएगा, सीएम, आप अगर उसको डिवाइड करते हैं टोटल कॉस्ट से, टोटल सॉरी टोटल सेल से, तो आपको कंट्रीब्यूशन रेट आ जाएगा। ये आगे हमने एग्जाम्पल्स करी, आप क्लियर हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन स्टेटमेंट क्या होती है? नेट सेल्स, जितनी भी आपकी सेल्स हुई है, आप उसको रुपीज में इधर लिख लो, और इसको स्टेटमेंट में क्या होता है कि उसको जो टोटल सेल्स होती है उसको 100% कंसिडर किया जाता है, ठीक है, बाकी सारी कैलकुलेशन उसकी बेस पे होती है। नेट सेल्स में से माइनस करनी वेरिएबल कॉस्ट, जिसकी हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी, उसको इधर लिख देंगे। नेट सेल्स में से जो वेरिएबल कॉस्ट माइनस होगी, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा, हमने लास्ट स्लाइड में देखा। फिर लेस फिक्स कॉस्ट, ठीक है, फिक्स कॉस्ट फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन से माइनस होगी, ठीक है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन से। यही वो बात थी जो हमने लास्ट स्लाइड में की थी, वो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या करता है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कंट्रीब्यूट्स मिक्स मीटिंग फिक्स कॉस्ट, ये असल में कहना चाह रहा था, और मेकिंग अ नेट प्रॉफिट मींस के जब कंट्रीब्यूशन मार्जिन से फिक्स कॉस्ट माइनस होती है, नेट इनकम बन जाती है, ठीक हो गया, या नेट प्रॉफिट या नेट इनकम एक ही बात है। यहाँ पे 5 ये फार्मूलाज हैं, लेक्चर नंबर 21 से स्टार्ट होगा, 22 पूरा लेक्चर इन 5 फार्मूलाज के ऊपर है, ये आपने याद कर लें, ठीक है, और देखना हम अगले अगले लेक्चर में ऐसे चुटकियों में हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है जी। कंट्रीब्यूशन मार्जिन को हम सीएम लिखेंगे ऑनवर्ड, ठीक है, और सेल को हम एस लिखेंगे, और माइनस
वीसी वेरिएबल कास्ट को हमने वीसी लिखेंगे, यहाँ पे मैंने ये सारा जगह लिख दिया। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला हुआ, सेल्स माइनस वीसी, ठीक है, एस माइनस वीसी लिखा करेंगे। कंट्रीब्यूशन रेट का क्या फार्मूला होगा, जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमने यहां पे कैलकुलेट किया इसको हम सीएम डिवाइडेड बाय सेल्स कर देंगे, तो और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको पता है परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कंट्रीब्यूशन रेट का फार्मूला, जब भी कंट्रीब्यूशन रेट मांगे तो आपने ये फार्मूला देना है, ठीक हो गया। अच्छा, कंट्रीब्यूशन रेट बताता क्या, कंट्रीब्यूशन ये बताता है कि जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपका ये टोटल सेल्स का कितने परसेंट है, ठीक हो गया, ये बता रहा होता है। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट हमने देखा कि वो पॉइंट होता है जो कि जहां पे प्रॉफिट जीरो होता है। तो इसको कैलकुलेट करने के तीन फार्मूले हैं, या तो आप नंबर ऑफ यूनिट्स में कैलकुलेट कर लो, जिसकी मैंने एग्जांपल दी थी कि 10 यूनिट्स आप सोप बनाए बेचे, वो जो पॉइंट थे जहां पे आपका प्रॉफिट वो जीरो हो रहा था, ठीक है, वो ब्रेक इवन पॉइंट है यूनिट्स के अंदर, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या है, जो फिक्स कास्ट होती है टोटल फिक्स कास्ट जो सिस्टम की सारे की होती है आपके प्रोडक्शन फैसिलिटी की, उसको डिवाइड करते हैं सीएम के साथ, जो सीएम हम उन्हें ऊपर कैलकुलेट किया, ये वाला सीएम, ठीक है। तो याद रखें कि ये वाला फार्मूला हमने लगाना ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में कैलकुलेट करने के लिए, ठीक हो गया। अब ब्रेक इवन पॉइंट अगर सेल्स के तौर पे हमने कैलकुलेट, जो कि जैसे हमने देखा था कि हमने वो सेल्स में कितने, हमें 10 सोप बेचने से आए थे 100 रुपीज, तो उधर कॉस्ट भी 100 थी, तो ये जो सेल 100 रुपीज सेल थी ना, जहां पर प्रॉफिट हमारा फिर भी जीरो था, तो वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट वाली सेल थी, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होगा कि एफ सी फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम, वही वाला जो हमने ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स वाला किया था, ठीक है, ये इससे हमने यूनिट से निकले थे ना। आपको ये देख लो कि यूनिट्स अब अगर हमारे पास हो, तो अगर हमने उसको सेल की, उस यूनिट जो है हमारा एक यूनिट, वो उससे हमने यूनिट रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास सेल्स में आ जाएगा। मतलब जो हमने यहाँ भी यूनिट निकाले थे, नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है, जैसे हमने वो एग्जाम्पल दी थी मैंने 10 यूनिट वाली, 10 सोप थे, उसको अगर हमने एक सोप के रेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ब्रेक इन सेल्स आएगी। तो यही असल में इसी से ये वाला फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। द ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट इन परसेंट ऑफ कैपेसिटी, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो आपने ब्रेक इवन, जो हमारे वो मैंने कहा था 10 सोप, आपने अब 10 सोप तो आपके ब्रेक इवन पॉइंट वाले हैं, ये कह रहे हैं टोटल कैपेसिटी जो प्लांट की कैपेसिटी है, या आपके आपके सोप पैदा करने की जो कैपेसिटी है, या जो भी आप एक प्रोडक्ट पैदा कर रहे हैं, टोटल जो आप पैदा करने की कैपेसिटी रखते हैं एक दिन में या महीने के अंदर, वो उसके साथ उसकी रेशियो लेनी है। टोटल प्रोडक्शन 10 यूनिट वाली वो एग्जांपल याद रखें, टोटल सपोज के 1000 हम पैदा कर सकते हैं, तो आपस में जो रेशियो होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा, ठीक हो गया। ये वाला सिनेरियो जो है हमने करना है, सारी एग्जाम्पल सिनेरियो वाले हमने करने हैं नेक्स्ट उसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक हो गया। फार्मूला आप याद कर लें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी। देखिएगा हम वही बात कि हमने सेकंड्स के अंदर ये कर जाना, पांच फार्मूले आप देख लो, ठीक है जी। कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज।